सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 10 में जो है टास्क बार में आपकी जो टाइम रहती है, क्लॉक रहती है, वो जो है दोस्तों अगर 24 आवर फॉर्मेट पे सेट है तो उसको अगर आपको चेंज करना है 12 आवर्स पे सेट करना है तो उसको कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टाइम फॉर्मेट है अभी 24 आवर्स पे सेट है। अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने टास्क बार पे जहाँ पे आपकी क्लॉक है उस पे राइट क्लिक कीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्ट डेट टाइम, जस्ट उसको ओपन कीजिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों लेफ्ट पैनल में आपको जाना है रीजन में और नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा चेंज डेट फॉर्मेट्स, इसको ओपन कीजिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट टाइम का, जस्ट उसको एक्सटेंड कीजिए। और यहाँ पे आपको जो है दोस्तों लास्ट का जो ऑप्शन है टाइम है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो क्लॉक है 24 आवर्स से 12 आवर्स टाइम फॉर्मेट में सेट हो जाएगी। अभी आप हमारे टास्क बार पे चेक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, इस तरीके से आप अपना टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आपके विंडोज 10 में। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा और सिंपल सा वीडियो है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू।